The beautiful state of Kashmir is not only famous for its beauty and scenery, but the state also offers authentic non-vegetarian dishes. Too, Kashmiri chicken is mild in taste and rich in flavor with the high use of hot spices. कश्मीरी चिकन बनाने से पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए चिकन। हमने यहाँ 1 kg चिकन लिया है, कर्ड, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, कटी हुई हरी मिर्च। अब हम एक बाउल में 5 स्पून कर्ड ले लेंगे। स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 5 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, नींबू का रस 2 चम्मच, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च एंड 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 स्पून नमक एज पर योर टेस्ट। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं चिकन को इस मिक्सचर में डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे कवर करके 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। कश्मीरी चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन की कलियाँ, तेज पत्ता, लाल मिर्च, जीरा घोल की थोड़ा सा, 2 कटी हुई टमाटर और 750 ग्राम्स कटी हुई ऑनियन, MDS का चिकन मसाला। अब मैंने कढ़ाई लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। गैस हाई फ्लेम पर है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। 6 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 2 बे लीव्स, 2 लाल मिर्च, 1 स्पून जीरा डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन को 5 मिनट्स तक भूनेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 10 खरा लहसुन डालेंगे। अब मैं 1 चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ। प्याज को मैं 2 मिनट और फ्राई कर लूंगी। अब हम इसमें 1 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर और 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट्स तक इसे भूनेंगे। अब इसमें 4 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे।
दो मिनट तक भून लेंगे। अब दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हमें इसे 5 मिनट तक भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 2 कटा हुआ टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हमें इसे 7 मिनट तक भूनना है। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने से हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा। हर 2-2 मिनट पे इसे हमें चलाते रहना है, जिससे कि हमारा मसाला जले ना। 7 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम MDH का चिकन मसाला इसमें डालेंगे। मैं MDH का चिकन मसाला 4 स्पून डाल रही हूँ। हमें ये मसाला हाई फ्लेम पे भुनना है और हर 2 मिनट पे इसे चलाते रहना है, ताकि हमारा मसाला जले ना। मैं 10 मिनट तक ऐसे ही मसाले को भुनना है, जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और तेल दिखने भी लगा है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और चिकन को कवर करके 20 मिनट्स तक लो फ्लेम पे हमें पकाना है। और हर 3 मिनट्स पे हमें इसे चलाते रहना है, जिससे कि हमारा चिकन जल ना जाए। चिकन चेंज इट्स कलर एंड लिक्विड फॉर्म ग्रेवी ड्राई अप। के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन पका है कि नहीं। अगर चिकन पक गया है तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम धनिया से गार्निश करेंगे। कश्मीरी चिकन इज रेडी। यू नेवर एवर टेस्ट सच अ टाइप ऑफ चिकन। Believe me, taste is so good and spicy and you must try at your home. Kashmiri chicken ka recipe maine Kashmiri friend se sikha tha aur aapke saath share ki hoon. So guys, please tell me aapko ye video kaisa laga aur give me your feedback in message box and subscribe my channel for more new update.